आत्मा आत्मा परमात्मा को याद करने से आप नेपाली में बोल दीजिए। हाँ आता है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे आपकी हिंदी। हाँ बेसिकली याद हो गए ना आत्मा और परमात्मा को याद करने का। बेसिकली याद है आत्मा और परमात्मा को याद और हमारा और चौरासी एडवांस में और क्लियर करना है, है? चौरा को अपने पार्ट भी क्लियर करना है। हाँ माने बेसिक में भी समझाया जाता है आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, और एडवांस में भी समझाया जाता है अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। लेकिन अंतर ये पड़ता है कि यहाँ आत्मा आत्मा कह तो देते हैं अपन को आत्मा समझो, अब जो आत्मा बिंदी ये सो ये सो ये सो ये फर्क क्या हुआ आत्मा समझने से? हम आत्मा पार्टधारी है तो किस किस्म के पार्टधारी है ये तो पता चले। इस रंगमंच पर हम पार्ट बजाने वाली आत्मा किस ग्रुप की आत्मा है, किस देश विदेश में देश विशेष में हमने पार्ट बजाया है, किस धर्म विशेष में हमने पार्ट बजाया है, कैसे कैसे हमने पार्ट बजाए हैं, कैसे कैसे चोले बदले हैं, हम किन आत्माओं के साथ रहे हैं, ये सब हमें पता चलना चाहिए ना। सिर्फ मैं आत्मा हूँ इससे तो कोई खास बात क्लियर नहीं होती। क्लियर तो तब होती है कि मुझे आत्मा का 84 जन्म के चक्कर में विशेष पार्ट क्या है कम से कम इतना तो पता चले। तो मंथन करने से तो अब ये बात पूरी थोड़ी हुई। तो बेसिक में तो सिर्फ कहते हैं कि आत्मा समझो, लेकिन आत्मा समझने के साथ साथ कहने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं बिंदी के ऊपर। आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं कहने से कुछ नहीं होगा। पक्की अवस्था तब होगी जब हम प्रैक्टिकल अपने बिंदु स्वरूप के चिंतन में रहें, स्टार के चिंतन में रहें। जब हम कहें मैं आत्मा हूं तो स्टार याद आए कि ये स्टार है, और इस स्टार में इस स्टार रूपी रिकॉर्ड में डीवीडी में अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो अनेक जन्मों का पार्ट जो भरा हुआ है वो हम ड्रामा के पट्टे पर लगा करके देखें बार बार कि हमारा पार्ट क्या है और किन आत्माओं के साथ विशेष हमारा पार्ट। जब हम एडवांस में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारा तो बाप के साथ विशेष कनेक्शन है, उन बेसिक वालों का तो बेसिक बाप के साथ कनेक्शन है ही नहीं। उनका किसके साथ कनेक्शन है? चंद्रमा के साथ, चंद्रवंशियों के साथ, और उन चंद्रवंशियों का दूसरे दूसरे धर्म वालों के साथ कनेक्शन है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा दूसरे धर्म वालों को असुरों को ही देव वरदान देता रहता है। ब्रह्मा ने वरदान किसको दिए? असुरों को वरदान दिए। ब्रह्मा की गोद में असुर ही पलते हैं। बाप असुरों को तरजीह ही नहीं देता है। माँ अबला हो जाती है कब? जब गीता का भगवान कृष्ण बन जाता है। आज घर घर में यही हालत है, माताएं जो हैं वो बच्चों के अधीन हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता बाप कहीं चला जाए या शरीर छोड़ जाए तो बच्चों के अधीन क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं वो गीता के भगवान जैसे पति परमेश्वर होता है ना, वैसे माँ के ऊपर कब्जा जमा करके बैठ जाते हैं।
माँ के कंट्रोल में नहीं चलते बल्कि माँ को अपने कंट्रोल में चलाते हैं। यही हालत ब्रह्मा की हुई। यज्ञ के याद में जब प्रजापिता चला गया तो बच्चों ने माँ को पटा लिया अच्छी तरह से, और ब्रह्मा की गोद में जिसने जो चाही वैसी किलकारियां मारी। ब्रह्मा बाबा सीधे साधे स्वभाव संस्कार जैसे माताएं होती हैं भोली भाली, उन बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहे। तो बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बाप का कंट्रोल नहीं है तो बच्चे बिगड़ गए। वो सारे ही चंद्रवंश की औलाद हैं जो बाप ज्ञान सागर को नहीं जानते हैं, मां को तरजीह देने वाले बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने बोला है जो आसुरी संप्रदाय होते हैं वो मां की पूजा करते हैं। माता की पूजा करने वाले हैं आसुरी संप्रदाय। पूजा करनी चाहिए किसकी? एक की करनी चाहिए, दो की? तो एक कौन, बड़े से बड़ा ऊंच से ऊंच को पकड़ना है या नीच को पकड़ना है? हैं? मां के लिए भी ऊंचा कौन है? हैं? बाप है। लेकिन बाप खुदा न खास्ता चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो मां को किसके अधीन रहना पड़ता है? बच्चों के अधीन रहना पड़ता है, तो बात बदल जाती है। इसलिए बताया कि एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन इस बात को ब्राह्मण बच्चे नहीं समझ सके और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम बाला हो गया। प्रजापिता को सब भूल गए, पीहू की बात ही उड़ गई, कृष्ण गीता का भगवान हो गया, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज। तो जो गीता का भगवान हो गया उस गीता के भगवान ने बाप को पहचाना क्या? हाँ पहचाना। क्या पहचाना? बिंदी। अच्छा बिंदी कैसे स्वर्ग स्थापन करेगी? बाप है हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, हर धर्म में हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। तो जब हर धर्म में हेवनली गॉडफादर कहा जाता है तो हेवन स्थापन करता होगा ना, और कोई धर्म पिताओं ने तो हेवन नहीं स्थापन किया। तो हेवन स्थापन किया बिंदी रूप में, फुदक फुदक के हेवन स्थापन करता है या साकार चोले में आकर के हेवन स्थापन करता है? और धर्म पिताओं ने तो राजधानी स्थापन नहीं की, और धर्म पिताओं ने तो राजा ही स्थापन नहीं की, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले गए। बाप की तो ये शिफ्ट है कि वो राजधानी भी स्थापन करता है और राजाई भी स्थापन करके जाता है, देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करके जाता है। ब्रह्मा का शरीर छूट गया, राजाई स्थापन हुई, राजधानी स्थापन हो गई। ब्रह्मा से ब्राह्मण तो बने लेकिन क्या ऊंची कोटि के ब्राह्मण बने या खिचड़ी ब्राह्मण बने? नौकुरियों के ब्राह्मण तैयार हुए या श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण तैयार हुए? सूर्यवंशी है, कौन सी कुरी के ब्राह्मण तैयार हुए? ब्राह्मणों की नौकुरियां गाई हुई हैं, एक से एक ऊंची कुरी मानी जाती है। तो क्या सूर्यवंश से स्थापन हुआ? नहीं हुआ। चंद्रमा से ज्यादा चंद्रवंश से स्थापन हो सकता है। बस, और अगर वंश तैयार होंगे तो वो नीच वाले नीचे वंश तैयार होंगे। इसी त्रेता में चंद्रवंश होता है तो चंद्रवंश के बाद फिर इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि दूसरे दूसरे धर्म आते हैं।
सूर्यवंश से डायरेक्ट नहीं आता है कोई इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन। सूर्यवंश के बाद बीच में चंद्रवंश लगा हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारियों की जो याद है वो है सिर्फ बिंदी की याद, आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। पार्ट क्या है सो किसी को पता ही नहीं। उनका धंधा भी तो पता चलना चाहिए। आत्माओं का धंधा क्या है, परमपिता परमात्मा का धंधा क्या है। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो वो क्या ऑक्यूपेशन करके जाते हैं जिससे स्वर्ग स्थापन होता है, इस बात का पता ही नहीं। और हम अब हर चीज की जानकारी करते हैं पहले एडवांस में, फिर हम बाप को याद करते हैं। बाप का प्रैक्टिकल रूप हमारे सामने है, उनके सामने बाप का प्रैक्टिकल रूप नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा बाप ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, उन्होंने प्रैक्टिकल में स्वर्ग तो स्थापन किया नहीं। तो वास्ट डिफरेंट हो जाता है, भारी अंतर हो गया हमारी याद में और उनकी याद में। उनकी याद है जैसे भक्ति मार्ग वालों की याद, बिना सोचे समझे ऐसे ही याद करते रहते हैं भगवान भगवान भगवान। हम तो समझ करके याद करते हैं भगवान क्या चीज है, क्या करके करता है, क्या परिवर्तन करता है, कैसे परिवर्तन करता है, कब तक परिवर्तन होता है। एक एक बात की गहराई में हम जाते हैं। उसके लिए समझ चाहिए, समझ बुद्धि का काम है। बुद्धि का कंट्रोल मन के ऊपर चाहिए, इसलिए शिव बाबा के तीन कार्य करते हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी शंकर तीसरा नेत्र, और संस्कार शक्ति रूपी विष्णु। परिवर्तन करने का निमित्त कौन बनेगा, संस्कार है, संस्कारों को कौन परिवर्तन करेगा, मन परिवर्तन करेगा नहीं, बुद्धि है। बुद्धि जब तक समझेगी नहीं तब तक परिवर्तन होगा ही नहीं, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। और जीते ही स्वर्ग में चले जाना है, हाँ जीते जी स्वर्ग में चले जाने का मतलब क्या, ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि हम दुख अनुभव करें ही नहीं, दुख इन आंखों से इन कानों से सुने ही नहीं, दुखी लोग हमारे संसर्ग संपर्क में आवे ही नहीं, ऐसा हमारा वाइब्रेशन बन जाए, हमारे नजदीक आने वाले हमारे जैसे देवता ही हों, दूसरे न हों। जैसे सतयुग में कलयुग के राक्षस क्या सतयुग में होते हैं क्या, जैसे शास्त्रों में दिखा दिया, ऐसी स्टेज हमारी बने, ज्ञान की पराकाष्ठा बने, हमारे स्वभाव संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बने तो हम स्वर्ग में अनुभव करेंगे, शरीर भी रहेगा। जब हम संपन्न बनेंगे तो कोई भी अपूर्ण आत्मा हमारे संसर्ग में नहीं आवेगी, हमारा हिसाब किताब भी उनके साथ नहीं रहेगा। अभी हम अपूर्ण हैं तो अपूर्ण आत्माओं का हिसाब किताब भी हमारे साथ होता है, इसलिए हम स्वर्ग में अनुभव नहीं कर सकते अभी। तो विरोधी बातें नहीं है, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जावेंगे। अभी सारी दुनिया नरक है या स्वर्ग है, तो नरक में मरना पड़ेगा कि स्वर्ग में मरना पड़ेगा है?
अभी नरक है सारी दुनिया, तो हम मरेंगे तो कहाँ मरे हैं? नरक में ही मरना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, हम अपने मन के वाइब्रेशन ऐसे ज्ञान युक्त बना ले कि चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हमारे संसर्ग संपर्क में आवे, हमारे संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही खुशी का अनुभव करे, उसके सारे दुख दर्द उसको भूल जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, ऐसी हमारी ज्ञान की और योग की पराकाष्ठा हो, तो हमारा वाइब्रेशन स्वर्ग का बन गया कि नरक का बना? हमारा वाइब्रेशन सारा, हमारा वायुमंडल सारा का सारा स्वर्गीय बन गया, तो हम स्वर्ग में मरेंगे या नरक में मरेंगे? कहां मरेंगे है? स्वर्ग में मरेंगे। तो ये अपने हाथ में है। और बाबा ने बताया आत्मा की बेसिकली सारे पर्वतों के बाद बच्चे आपसे डायरेक्ट से मिले, कई बच्चे 50-60 साल 60 साल तक भी बेसिकली वो भ्रमित कर रहे हैं, उनका अभी तक बेसिकली तो बिल्कुल नहीं, और अन्य बच्चे छोटा था कि हमने बाबा से डायरेक्ट सीखने को आए, जल्दी पैसे इनकी उठा उठर गए और उनके अभी तक खेल नहीं, क्या कारण? वो ऐसे ही समझ लो जैसे लोग कहते हैं अरे इतने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी, इतने बड़े बड़े महात्मा जटाधारी, हजारों साल पुराने, हजारों साल उन्होंने तपस्या की है, इतनी तपस्या की, इतना तप तपी, और उसके बाद उनको भगवान नहीं मिला और हमको कैसे मिल गया? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में आपने बाप से ज्ञान लिया है यज्ञ के आदि में, वो प्रारब्ध आपका इस जन्म में आके ऐड हो गया। ब्राह्मण जो कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान बाप से, वो कभी नष्ट नहीं होती। गीता में भी लिखा हुआ है ईश्वरीय ज्ञान जो ये लेता है वो ईश्वरीय ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है, शरीर छूट जाए तो भी। तो पूर्व जन्म में आपने पढ़ाई पढ़ी, अच्छी पढ़ाई पढ़ी, उसका प्रारब्ध आपको इस जन्म में मिल गया। उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ी, उन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया, बाप को लात मारी। अरे दो ग्रुप हो गए थे यज्ञ के आदि में, एक ग्रुप राम बाप के साथ चला गया, एक ग्रुप वो रह गया जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहा। उस ग्रुप में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी सभी रहे, सूर्यवंशी नहीं पनप पाए। तो बढ़िया प्रारब्ध किसकी रही? जो छोड़ के चले गए उनकी प्रारब्ध अच्छी रही, या जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे उनकी प्रारब्ध अच्छी रही? बाप को किसने पहचाना? आदि में भी किसने पहचाना? हमने पहचाना या उन्होंने पहचाना? हमने पहचाना, तो हम ही प्राप्ति करेंगे। नहीं तो कारण क्या है? 60 साल के वहां पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। हाँ, लेकिन मुरली में तो बोला है मम्मा बाबा को, ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब मम्मा बाबा कोई और थे ना, उन और मम्मा बाबा जो थे उनसे तुमने पढ़ाई पढ़ी, पहले भी उनसे पढ़ी, अब भी उनसे पढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा की सुई कट उतर गई बेसिकली, उनकी अभी भी नहीं उतरी, वो अभी भी देहवान में आते हैं, निकलो निकलो बाहर निकलो निकलो। तुम्हारी घरवाली कभी तुमसे ये कहते नहीं घर से बाहर निकलो? कितना भी दूसरा ज्ञान उठाते हो, कुछ भी करते हो, घर वाले फिर भी कहते हैं कि हमारे घर में रहे, हमारी नजरों के सामने तो रहे कम से कम। तो घृणा का पारा जो चढ़ता है वो देह अभिमानियों का चढ़ता है या आत्मा अभिमानियों का चढ़ता है? देह अभिमानियों का घृणा का पारा चढ़ता है।
बाप है कहाँ? उस आत्मा को ये पक्का निश्चय बना रहता है कि ये बाप है, भगवान है, इसमें है कि तुम जैसे यहाँ बहुतों का निश्चय बनता है वो करता है, ऐसे उस आत्मा का भी निश्चय वो करता है और बनता है। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेता है? तो वो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है, बेहद में भी आ रही है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में। अनिश्चय का चक्र जब चलता है तब तो गुलजार दादी में प्रवेश करती है, तब तो मोह आता है उन बच्चों के प्रति जो पूर्व जन्म के बच्चे हैं देहधारी, नहीं तो वहां मोह क्यों जाए? जब जान लिया, ज्ञान से समझ लिया कि वो दुश्मन है देश के दुश्मन वहां बैठे हुए हैं, रावण संप्रदाय वहां बैठे हुए हैं, सीढ़ी के चित्र में एडवांस में समझा दिया, पूरी समझानी सीढ़ी के चित्र में दे दी कि ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में रावण संप्रदाय चल रहा है, रावण संप्रदाय की शूटिंग हो रही है, ये उनकी बुद्धि में बैठता है हमेशा? नहीं बैठता, तो वहां चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं। ये तो निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता ही रहता है। कब तक चलेगा? जब तक ज्ञान सूर्य तुम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप? बाबा एक ही आदमी जो ब्रह्मचारी थी, एक ही आदमी जैसे आत्मा सबको शासित कर रखता था, उसमें स्वर्ग भी शासित कर रखते थे, उसमें संगमी भी स्वर्ग की शासित कर बाबा कराते थे या सती भी स्वर्ग की शासित करते थे? संगमी की स्वर्ग तो अभी सन 76 से बताया है बाप ने, संगमी की स्वर्ग का तो किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता था क्या? बेसिक में सन 76 से पहले कोई दीदी दादी दादा को ये पता नहीं था कि संगम युग में ही स्वर्ग की स्थापना होती है। वो तो समझते हैं सन 36 के बाद जब विनाश हो जाएगा तब सतयुग में जाके स्वर्ग शुरू होगा, तब हमारे ब्रह्मा बाबा दुनिया का सबसे ऊंचा पद पाएंगे, नारायण बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि वो तो रचना का पद है, उनसे भी ऊंचा पद तो रचयिता का होता है। बिल्कुल। तो बाबा ये जो शासक उन्होंने नौ डिजाइन का जो साइंस का आविष्कार की जो बात बता दी है, एडवांस जो स्वर्ग में वो पंचों की डिमांड होती है, यहाँ एडवांस के बारे में हमें मालूम करा बाबा के बताने से, ये पंचों की डिमांड होती है स्वर्ग में, पंचों की डिमांड पक्षियों का विमान, पक्षियों के विमान, उन्होंने वो शासकरण देखा। वो तो समझते हैं सोने के महल हमारे होंगे वहाँ, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, सोने के महल में गर्मी बढ़ेगी या मौसम बढ़िया रहेगा, सोने के महल की बात ही नहीं है, वहाँ सोना गलाया नहीं जाता है, वहाँ हीरे घिसे नहीं जाते हैं, हीरे घिसने का कोई कारखाना नहीं होता है। ये तो आत्माओं की बात है, बेहद की बात कही बाबा ने। सोने के महल होंगे माने जितने भी संगठन होंगे, जितने भी संगठन रूपी किले या महल होंगे वो सब सच्ची आत्माओं के होंगे। हाँ, यहाँ तो बेसिक में झूठे भरे पड़े, ऐसे ऐसे झूठे भरे पड़े जो ब्रह्मा बाबा की आंखों में धूल झोंक के सारी संस्था अपनी मुट्ठी में कर ली। हाँ, फिर उनके सबके बेहद के अर्थ हैं, वो चैतन्य ईंटों की बात है, जड़ ईंटों की बात नहीं है। जो महल देखा वो कैसे, किस तरह का महल देखा?
किस तरह का देगा? वो जो कुछ साक्षात्कारों में देखते हैं उसका अर्थ समझते हैं क्या? वो उन साक्षात्कारों का, उन जो दीदी दादियां देखती हैं साक्षात्कार में जाके, ध्यान में जाके, उसका अर्थ तो एडवांस में बताया जाता है। तो फिर अरे ब्रह्मा बाबा ने जो साक्षात्कार किए उसका अर्थ ब्रह्मा बाबा ने जाना क्या? दीदी दादियों ने जाना क्या? उसका भी अर्थ किसने बताया? प्रजापिता ने बताया। और स्वर्णिम संगम युग कितने साल का होगा? स्वर्णिम संगम युग कितने साल का होगा? स्वर्णिम संगम युग में बाप की प्रत्यक्षता कब होगी? 2018 में। जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो नंबर वार फिर बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं? नंबर वार जब बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो स्वर्णिम दुनिया में होंगे या नरक की दुखी दुनिया में होंगे? कहाँ होंगे? स्वर्णिम दुनिया में होंगे। तो 18 से लेके और 36 तक कितने साल हुए? 18 साल हुए। ये 18 का बहुत महत्व है। और ये संदेश लेने वाले और देने वाले में क्या संबंध है? संदेश जो देने वाले, तो संदेश देने वाले हैं वो रचयिता हैं, संदेश रहने वाले हैं वो रचना है। संदेश लिया माने प्रभावित हो गया। आपने हमें संदेश दिया, हमारी बुद्धि में जच गया, तो आप बीज बोने वाले हैं, बाप हैं। हम आपकी बात से प्रभावित हो गए, हम आपकी प्रजा बन गए। प्रजा बन गए माने बच्चा बन गए। वो दोनों एक ही ग्रुप के हो गए? बिल्कुल, उस समय हो गए एक ही ग्रुप के। अब आगे चल के कन्वर्ट नहीं हो सकते? अरे सारी दुनिया एक बाप की संतान है, तो क्या सारी दुनिया की कन्वर्ट नहीं होते हैं? हो जाते हैं। जो पूर्वज होते हैं वो उच्च कोटि की आत्माएं होंगी या नीच आत्माएं होंगी? दो, जो उच्च कोटि के होंगे वो लंबे समय तक ऊंचा ही जीवन जिएंगे या नीचे गिरेंगे पहले ही? हाँ, तो वो ज्ञान सूर्य के साथ त्रासी जन्म तक ऊंचा पार्ट बजाते हैं, अंतिम जन्म में जाकर के माया सबको खा लेती है तो उनको भी खा लेती है। माया की चक्करी से तो कोई बचता ही नहीं, माया किसी को छोड़ती ही नहीं, तो पूर्वजों को भी माया छोड़ती नहीं। माया को भी सर्वशक्तिमान का इसीलिए टाइटल मिला हुआ है। उन 8 बच्चों को नहीं मिला हुआ है सर्वशक्तिमान का टाइटल, माया को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला हुआ है। सतयुग में घी दूध की नदी बहती है बोल रहे, घी दूध की नालियाँ बहती हैं का नदियाँ बहती हैं? नदियाँ बहती का मतलब घी दूध अपार होगा, कमी नहीं होगी जो पानी मिलाना पड़े, भरपूर घी दूध होगा जितना खा पी सको। ये मुहावरा है, कहावत है। भक्ति मारे में पीपल की पूजा करते हैं। पीपल की? ओहो, सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ षष्ठी के आदि में दिखाया। वो पीपल का पत्ता कौन सी आत्मा है? हैं? वो पीपल का पत्ता है जगदम्बा की आत्मा। बहुत हल्की फुल्की नवैया है, बड़ा जहाज होगा तो छोटा मोटा तूफान आएगा तो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, और सागर में पड़ी हुई हल्की सी नवैया होगी और जोर से तूफान आएगा तो क्या करेगी?
जोर से हिलेगी डुलेगी, देखने वाले समझ में तो गई। तो ऐसे ही पीपल के पत्ते की नवैया है। पीपल का पत्ता तो कितना हल्का होता है। पीपल पात सरिस मन डूला, ये मन जो है ना जब चंचल होता है तो पीपल के पत्ते की तरह चंचल होने लगता है। तो वो नवैया पीपल के पत्ते की नवैया है और संसार सागर में पड़ी हुई है, विषय सागर में। प्रैक्टिकल में पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? क्षीर सागर में नहीं पड़ी हुई है। क्षीर माने ज्ञान सागर, दूध के सागर में नहीं पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? विषय सागर में, जहां विषय वासनाएं ही भरी पड़ी है दुनिया में। और वो पीपल के पत्ते की नवैया के ऊपर कृष्ण बैठा हुआ है, बिठैया है। कृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा जो है वो उस जगदम्बा में प्रवेश हो जाती है। जगदम्बा माने जगत की अम्बा, बड़ी अम्मा। दाढ़ी मूछ वाली अम्मा को कोई अम्मा नहीं मानता है वास्तव में। जब वो स्त्री चोला धारण करती है तब उस स्त्री चोले वाले धाम आत्मा में प्रवेश करने वाली जो आत्मा है कृष्ण की, वो फिर जगत अम्बा कही जाती है, बड़ी माँ। ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी। बाप की पहली रचना है तो श्रेष्ठ रचना होगी ना। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा पीपल के पत्ते में प्रवेश करती है तो उस नवैया का जो खिवैया बाप है वो उस नवैया का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? हैं? अगर नहीं रखेगा तो उस बाप का जो पहला बच्चा है वो डूब मरेगा। षष्ठी का जो पहला पत्ता है वो उसी की दुर्गति हो जाएगी तो दूसरों का क्या हाल होगा। इसलिए वो नैया के लिए गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो पीपल का पत्ता जगदम्बा है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। इसलिए कहते हैं कि भूत प्रेत जो होते हैं वो पीपल के ऊपर निवास करते हैं। ब्रह्म राक्षस है, उसकी लकड़ी को जलाना नहीं चाहिए। अगर पीपल के पेड़ की लकड़ी को जलाया तो भूत प्रेत घर में घुस जाएंगे। तो कोई हिंदू है क्या? हाँ तो ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनता है? नहीं बनता है, फिर क्या बात है? जब ब्रह्मा संपन्न बन जाएगा तो विष्णु बन जाएगा। अरे जगदम्बा जो है वो जगदम्बा जब स्वभाव संस्कार से लक्ष्मी के समान बन जाएगी तो महालक्ष्मी बन जाएगी ना। महालक्ष्मी और विष्णु बात तो एक ही हो गई। अरे रुको रुको रुको, इधर नहीं बोलते हैं, तुम तो बोले ही चले जाते हो। एडवांस में आने वाला सभी आत्मा एक एक आदि में संदेश मिले थे क्या? सबको मिले थे। जो 80 साल के हैं मान लो, 75 साल के हैं तो उनकी तो उम्र ज्यादा हो गई। वो तो सन 36 से पहले जन्म ले चुके थे। वो एडवांस में आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि पूर्व जन्मों में वो आत्माएं राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा उन्होंने जीवन बिताया है, इसलिए वो संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं राम वाली आत्मा के समान संस्कार। इसलिए वो इस जन्म में 80 साल के होने के बाद भी अगर ज्ञान में आते हैं तो एडवांस ज्ञान उठा लेते हैं।
बाकी उन्होंने पूर्व जन्म में वो ज्ञान नहीं उठाया। हाँ हाँ, तो यहाँ तो जितने बैठे हुए हैं वो सभी ने, यहाँ तो कोई 75 साल का कोई बैठा नहीं है, कोई आपकी उम्र क्या है? 67। बस, और आपकी है 66। अच्छा, तो यहाँ तो सब पूर्व जन्म वाले बैठे हुए हैं। पूर्व जन्म में ज्ञान लिया था, प्रजापिता से ज्ञान लिया था, सूर्य से ज्ञान लिया था, पिछले जन्म में सूर्यवंशी बन गए, तो इस जन्म में आत्मा रूपी सुई कट उतर गई, फटाक से बाप के फिर बच्चे बन गए। और अमृत किसी कहा जाता है और मरण किसी कहा जाता है? अमृत आ माने नहीं, अमृत माने मरा हुआ, अमृत माने जो जीवन दे उसे कहते अमृत, और मृत माने मरा हुआ, तो प्योरिटी ही अमृत है। ये प्योरिटी उस अवलंबर सीता में सबसे जास्ती थी, उसके बाद वो प्योरिटी रावण जिस सीता को ले गया उसमें भी प्योरिटी है, थोड़ा अंतर है। तो वो प्योरिटी का नशा भरा रहता है रावण को, वो पीयूष कुंड उसकी नाभि में भरा हुआ है, वो नाभि 16,000 नशा नाड़ियों से युक्त है, वो 16,000 नशा नाड़ियों वाली जो अमृत कुंड जिसमें भरा हुआ है, सीता को जो उस ले गया है जिस समय से, उसी समय से भरा हुआ, जन्मजात नहीं था, जब से वो सीता को ले गया तब से उसकी याद उसके नाभि में समाई हुई है। वो याद खत्म हो जाए बस रावण की शक्ति खत्म। और है? माया को जीतो शास्त्रों में, मुरली में, हाँ मुरली में कहा गया माया को जीतो, और बड़ी बड़ी ऋषि मुनियां भी माया को जीतने असमर्थ हो गए, फिर मनुष्य को कैसे जीत पाएंगे? वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, जो कहते थे कि माया को जीतो, वो माया के रूप को भी नहीं जानते थे, रावण के रूप को भी नहीं जानते थे, और आत्मा के रूप को भी नहीं जानते थे, आत्मा के बाप को नहीं जानते थे, तो जीतने का सवाल ही नहीं, जीते कौन? माया को कौन जीतेगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन जीतेगा? देहाभिमान, वो तो देहाभिमानी सांड है, बने पड़े हैं पहले से ही, वो खुद ही नहीं जीत सकते, कहते हैं शिवो हम भगवान हैं, भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, तो अंदर से तो समझते हैं हम भगवान नहीं है, समझते हैं कि नहीं? अंदर से समझते हैं हम भगवान नहीं है, फिर भी दूसरों को मिसगाइड करते हैं, तो वो थोड़े ही माया के ऊपर जीत पावेंगे। जो सदैव सच्चा है, सत्य चित्त आनंद है, सदैव चैतन्य है, कभी जड़त्व में ही बुद्धि वाला नहीं बनता है, सदैव आनंद स्वरूप है, वो ही माया के ऊपर जीत पहनाता है। मनुष्य तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना जीतने के लिए,
मुश्किल उनके लिए हो जाएगा जो देहाभिमानी सांढे होकर रहेंगे, उनके लिए बहुत सहज हो जाएगा जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्टार हूँ, आंखें खुली हुई रहे, स्टार याद रहे, सामने वाला दिखाई न पड़े, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए सहज हो जाएगा। आत्मा समझने से परमात्मा की याद सहज हो जाएगी और देहभान में रहने से याद ही नहीं आएगा। और हर धर्म के पूर्व पहले सनातन धर्म में मुख काट जाते हैं, फिर के बाद अपने अपने धर्म में पढ़ना कभी जाते हैं या कैसे? हर धर्म में जो पूर्वज होते हैं वो पहले के सनातन धर्म में मुख काट हो जाएंगे, बाद में जब धर्म आते हैं तो अपने धर्म में जो ऊंच पाठ बजाने वाली आत्मा होगी वो याद में और सेवा में सबसे तीखी होगी या नीची होगी? ऊंची होगी ना। तो जब ऊंची होगी वो जन्म जन्मांतर ऊंची होकर के रहेगी या नीचे गिरेगी? हाँ, तो त्रासी जन्म तक वो सुखी ही सुख भोगते हैं। दूसरे धर्म में जाते हैं, सनातन धर्म में क्यों जाएंगे? सनातन धर्म के पक्के रहेंगे, क्यों जाएंगे दूसरे धर्म में? स्वधर्म निधनम से या पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म का हम क्यों स्वीकार करें जो दास दासी बनना पड़े? बाबा तो क्या हुआ, लास्ट जन्म में जाके वो गिर जाते हैं, लास्ट जन्म में जाके दूसरे धर्म में गिरते हैं, लास्ट जन्म में। हाँ, अपने धर्म के पक्के होके रहेंगे। जो इस्लाम धर्म का बीज होगा, इस्लामी तो सबसे ज्यादा बेविचारी होते हैं ना, तो ज्यादा बेविचारी होगा तो जल्दी नीचे गिरेगा कि जल्दी ऊपर उठेगा? लंबे समय तक ऊंचा रहेगा, जल्दी नीचे गिरेगा। तो द्वापर युग जैसे ही शुरू हुआ वैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, आधार मूर्त आत्मा नीचे गिर जाती है। गिरते हुए भी वो ऊंच कहां से बनती है? उनमें आकर के इब्राहिम प्रवेश कर जाता है, इब्राहिम के फॉलोअर्स प्रवेश कर जाते हैं। वो काय के लिए सुख हो गएंगी? वो तो इस्लाम धर्म की आत्मा है, वो तो नीचे गिर गई, दास दासी बन गई दूसरे धर्म की। हाँ, पूर्वज की जो है, जो पूर्वज है वो तो ऊंची श्रेष्ठ आत्मा है ना। पूर्व में जन्म लेने वाले ऊंचे होंगे या नीचे होंगे? ऊंचे होंगे, तो वो ऊंचा ही ऊंचा पाठ बजाते हैं जन्म जन्मांतर। आधार मूर्त तो नीचे हैं ही, जड़ें तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं ही, लेकिन जड़ों को जन्म देने वाले जो बीज रूप बाप हैं वो तो ऊंचे ही होंगे ना। थोड़ी देर एडवांस में आया, ज्ञान उठाया, तो बोलो ना। थोड़ी देर ना एडवांस में आया और ज्ञान थोड़ा उठाया और सेवा करने का मौका नहीं मिला, अस्वस्थ हो गया या शरीर छोड़ गया तो कैसा पद मिलेगा? अगले जन्म में फिर एडवांस में आ जाएगा। जैसे आप पूर्व जन्म में शरीर छोड़ के आए, पूर्व जन्म में आपने ज्ञान लिया यज्ञ के आदि में और फिर यहाँ करके ज्ञान ले लिया, ऐसे ही जो एडवांस में आ जाते हैं वो एडवांस में आने वाले तो ज्ञानी के यहाँ जाकर के जन्म लेंगे और एकदम ज्ञान को पकड़ेंगे, तीखे जाएंगे। और बाबा किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, किसी से प्रभावित क्यों हो? हम शिव बाबा से प्रभावित हो, दूसरों से क्यों प्रभावित हो? जो सिर्फ शिव बाबा से ही प्रभावित होगा, किसी मनुष्य मात्र से प्रभावित नहीं होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, एक बाबा की ही मत पर चलेगा, वो ऊंचा बनेगा कि नीचा बनेगा? है, ऊंचा ही बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? है? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा समझना। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो किसी से प्रभावित नहीं होंगे,
देह अभिमान आएगा तो दूसरों से प्रभावित होंगे। जो देह अभिमानी होते हैं, जिनको अपनी आत्मा की याद नहीं आती है, स्टार याद नहीं आता है, उन्हीं में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। आत्मिक स्थिति में जो पक्के होंगे उनमें भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। आगे चल करके ढेरों मौत होंगी, मौत का बाजार लगेगा। भूकंप आएंगे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सौ सौ मार की, डेढ़ डेढ़ सौ मार की, हजारों लाखों आदमी रहे पड़े हैं, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, सब मर जाएंगे। कितने भूत प्रेत बनेंगे अकाले मौत में, वो कहां जाएंगे? अरे वो इन्हीं 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे, भगवान बाप को पहचानेंगे। क्यों नहीं कठिन होगा? उसका हिसाब किताब होगा तभी तो कठिन होगा। ऐसा हिसाब किताब बनाना क्यों? आत्मिक स्थिति में रहो इसका मतलब हिसाब किताब नहीं है। देवान में रहते हैं माने हिसाब किताब है। निरंतर रहो, मना कहा किसने किया? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कहाँ कर रहे हैं? बाबा ने कहा अमृत वेले अगर फाउंडेशन पक्का जमाएंगे तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। अमृत वेला अगर पक्का फाउंडेशन नहीं रहेगा तो सारा दिन याद नहीं आएगी, कितनी भी मेहनत कर लो। अमृत वेला पक्का कर रहे हैं? अंतिम वेला में क्या हमारा लास्ट ट्रेन छूट गया था, हम आत्मिक स्थिति में रहने से क्या नहीं? रह सकते हैं, रह सकते हैं। प्रैक्टिस करो अभी, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में याद आ जाएगा, थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा वो अंत समय में काम नहीं आएगा। तो अभी से ही शुरू कर देना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अंतिम ट्रेन छूट गया था, हमारा क्या हाल होगा? क्यों ट्रेन छूट जाए? खराब संकल्प चलाने के लिए किसने कहा? अच्छे संकल्प करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाचा बोलो। जैसे कि जो बाबा के बच्चे हैं, वो आत्मा शरीफ होती है तो एडवांस के बच्चे में आकर प्रवेश करती है, ठीक है? वैसे दुनिया में जो आत्मा शरीफ होती है वो भी एडवांस में आकर प्रवेश करती है। ब्राह्मणों की बात बताई, ब्राह्मणों की दुनिया में जो शरीर छोड़ रहे हैं वो अपनी कैटेगरी के से नीचे वालों में प्रवेश करेंगे। दुनिया में जो आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं वो तो दूसरे में प्रवेश, उनका भी हिसाब किताब। बेसिक में आत्मा शरीर छोड़ती है तो 13वें दिन में उस आत्मा के प्रति भोग लगाते हैं और संदेशी वतन में जाती है और बाबा उस आत्मा को इमर्ज कर बुलाते हैं। तो बाबा क्या ये बात सच है? है लेकिन ये सच है क्या? ये अपने अपने विश्वास की बात है। बाबा तो कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है, मुरली में बोला है। तो मुरली की बात सच माने या जो टंट घंट चल रहा है उसको सच माने? क्या सच मानेंगे? मुरली को सच मानना चाहिए। तो जो मुरली को सच मान ले उनके लिए झूठा। मुरली पर जिनका विश्वास नहीं है, ब्रह्मा बाबा के कर्मों पर जिनका विश्वास है, ब्रह्मा बाबा की चलन पर जिनका विश्वास है, वो इन बातों को अच्छा मानेंगे।
उस पर विश्वास करेंगे। और ऐसे विश्वास करने वाले की प्राप्ति होती है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदाकाल की प्राप्ति, 2500 वर्ष की प्राप्ति ज्ञानियों को होती है। और सब धर्म की आत्मा है, सब धर्म के भी नास्तिक धर्म के भी बीज है, नास्तिक धर्म के बीज है। जो नास्तिक बनते हैं वो राजा बनते हैं या प्रजा में चले जाते हैं? नास्तिक धर्म वाली जो रसिया है, रसिया में राजाएं हैं, राजा ही चलती है या प्रजा वर्ग में है? सारे की सारे प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो 4.5 लाख में प्रजा वर्ग की आत्मा है, नीच किस्म की नहीं है, फोर्थ क्लास प्रजा भी है। जो फोर्थ क्लास प्रजा है उसी में नास्तिक बसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, नहीं तो वो बीज आएंगे कहाँ से? जो रशियंस के बीज हैं, जिन्होंने राजाओं को खत्म कर दिया, राजाई को ही खत्म कर दिया, राजाओं का कत्लेआम कर दिया, राजाई को मानते ही नहीं हैं, वो बीज कहाँ से आएंगे? किसका साकार पाठ चल रहा है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। किसको अल्लाह मिला? अलफ कौन है? ब्रह्मा कुमारियां तो कहते दादा लेखराज अलफ, वो अलफ हैं या पड़ गए, गिर गए या पुरुषार्थ में खड़े हैं? 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 शरीर छूट गया, गिर गए, वो अलफ नहीं है, वो पड़ा हुआ डंडा है। अलफ वो है जो पूर्व जन्म में भी पुरुषार्थ में खड़ा था, 300-400 को भगाया था, मक्खन चुराया, भगाया, ये है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी। नाम डाल दिया है कृष्ण का, तो ये कृष्ण का नाम डालना ये तो ब्रह्मा कुमारियों का काम है। असली काम जिसने किया था उसका तो नाम ही गुम कर दिया, वो प्रजापिता भागीदार था, ब्रह्मा भी भागीदार है। अभी भी है, दोनों भागीदार नहीं है अभी? जो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, दोनों दोनों भागीदार होकर के धंधा नहीं चला रहे हैं? चला रहे हैं, वो हद में थे, यहाँ बेहद में। आत्मा को देखना है कि याद कर रहे हैं? तुम जब अपने बच्चे को याद करते हो तो वो बच्चा तुम्हें देखने में आता है कि नहीं आता है? तो फिर इतना गहरा कंसंट्रेशन हो जाए कि जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाना जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं, रास्ते भर कौन निकल गया उसको याद ही नहीं रहता, उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन आया गया, कहते हमें नहीं याद है। तो फिर हमको तो आत्मा को, आत्मा का रूप नहीं है तो बिंदु को याद नहीं कर सकते? याद तो कर सकते, अंदर की वृत्ति में बैठी हुई आत्मा है, उसे हमें बुद्धि से देखना भी है कि खाली कसियात करना।
अरे बुद्धि से देखोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? जिस चीज को याद किया जाता है वो देखी नहीं जाती है क्या मन की आंखों से? बच्चा विलायत में पढ़ रहा है, अम्मा बाप को याद नहीं आता है क्या? याद आता है तो उसका रूप सामने नहीं आ जाता है? मन की आंख से देखता है कि नहीं देखता है? देखता है ना, तो ऐसे ही हम भी आत्मा को देखें। लेकिन वो देखने की तीव्रता इतनी तीखी हो, सारा मन 100% मन उसी को देखने में लग जाए, आंखें खुली रहे, दूसरे लोग आते जाते रहे वो न दिखाई दे, अपनी आत्मा ही दिखाई दे। प्रैक्टिस करते करते क्या नहीं हो सकता है? इसलिए जितने भी धर्म पिताएं हैं उनको किस स्टेज पे दिखाया जाता है? वही निराकारी स्टेज है, आत्मिक स्टेज उनके चेहरे पर साफ झलकती है। क्राइस्ट को देख लो, बुद्ध को देख लो, गुरु नानक को देख लो, शंकराचार्य को देख लो, नई नई उतरी हुई आत्मा है, परमधाम से आई है, उसे आत्मा के सिवाय कुछ देखने में नहीं आता है। लेकिन पतितन में प्रवेश करते हैं इसलिए तेजी से संघ का रंग लगता है उसके देहभान का, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। शिव बाबा में ये बात नहीं है, शिव बाबा बल पतितन में प्रवेश करता है, बल पतित दुनिया में आता है, परंतु उसके संघ का रंग शिव को नहीं लगता है क्योंकि वो भोगी नहीं है, अब भोगता है। क्यों? गरुड़ सांपों को खा जाता है, गरुड़ विष्णु का वाहन है, गरुड़ कोई दूसरा नहीं है, गरुड़ वो है जिसको मोर का रूप दिया जाता है, वो मयूर पवित्रता का सूचक है, जो अपवित्रता है उसको खा जाता है। तो नागपास क्या है? नागपास तो काम विकार है, काम विकार के पास में राम और लक्ष्मण दोनों को बांध लिया, तो गरुड़ उसे खत्म कर देता है। और शिव जो कल्याणकारी है, जिसमें प्रवेश करता है वो सदैव कल्याणकारी है या कल्याणकारी भी है और कल्याणकारी भी है? दोनों है। तो जो शिव है वो हिंसक दुनिया बनाएगा, कल्याणकारी दुनिया बनाएगा या अहिंसक दुनिया बनाएगा? तो शिव अहिंसक दुनिया का निर्माण करता है, अहिंसक दुनिया की राजाई देता है। वो बेहद का बाप तो है लेकिन देता क्या है? 21 जन्म का राज्य देता है कि कभी ये भी कहा 22 जन्म का देता है? फिर क्या द्वापर कलयुग में राजाई नहीं मिलती है?
वो राजा ही कोई धर्म पिताएं देते हैं क्या? नहीं, वो राजा हैं, धर्म पिताएं आकर के राज्य स्थापन करते हैं क्या? राजधानी स्थापन करते हैं? नहीं, ये तो प्रजापिता वाली ही आत्मा है जो उन उन धर्मों में जाकर के उनके राज्य की स्थापना करती है और उस जनरेशन को राजा ही मिल जाती। और लेकिन हिंसक राजा ही देती है। किसी करने पर किसका वाली आत्मा थी लेती थी वाणी चलाती है जन्मास्पोर्ट को क्या एक ही तन में उसी तन से कृष्ण वाली आत्मा तीखी तीखी ज्ञान की वाणी चलाती है। तीखी तीखी मना ऐसी वाणी चलाना जिससे दूसरी आत्माओं की हिंसा हो जाए, उनको दुख पैदा हो जाए, घाव लग जाए। बिल्कुल, बाप प्यार का सागर का पार्ट बजाएगा या धर्मराज का पार्ट बजाएगा? बाप तो प्यार का सागर है, धर्मराज कौन है? धर्म का राजा कौन है? दादा लेखराज धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है। तो जो धारणाओं का राजा है वो ही फिर उसके विपरीत भी पार्ट बजाता है। धर्मराज से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? तो धर्मराज से दंड मिलता है, दुख मिलता है। बाप थोड़ा ही दंड देता है। हाँ, एक जगत माता, एक भारत माता, नेपाल माता एक ही नहीं? नेपाल माता क्यों नहीं है? एक जगत माता है तो जगदम्बा है, है? एक भारत माता है, भा भा माने रोशनी, रोशनी माने ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रत रहने वाली। नारायण कहाँ है? ज्ञान जल में रहता है तो नारायण है। ऐसे ही नारायण की नारायणी कहाँ है? कहाँ है? भा भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। सबसे ज्यादा ज्ञान जल कौन बांटती है? अरे ज्ञान बांटने वाली ढेर सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन सा पद पाने वाली ब्रह्मा कुमारी जो है वो सबसे जास्ती ज्ञान जल बांटती है? लक्ष्मी वाली, वो ही भारत है, वो ही भारत माता है। तो जब भारत माता है तो नई दुनिया की पालना करने वाली भी कोई माता होगी, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली भी कोई होगी, नेपाली माता कोई होगी ना? नई दुनिया की पालना करने वाली नेपाली माता ऊंची स्टेज में होगी या नीची स्टेज में होगी? नेपाल पहाड़ पर है या नीचे है? नेपाल पहाड़ पर है। तो काशी नगरी क्या है? नेपाल माता है। हिरण्याक्ष राक्षस सारी दुनिया को पतन के गर्त में ले जाता है, काशी नगरी छिटक जाती है। तो ऊंची स्टेज में रहती है या नीची स्टेज में आती है? ऊंची स्टेज में रहती है तो नेपाल माता हो गई ना। कोई ना कोई नेपाल का अधे उठी है, कोई ना कोई नेपाल का अधे उठा दिया है ना। क्या बोला? अगर गौर गौर पर ये गौर का बात, हाँ आज की बात, आज के नेपाल है ना उसका जो नगरी में सारे जगह भी है। हाँ, वो गोरखपुर से उधर डेरा भी तक था। अच्छा, पहले जो पुराना नेपाल था इसके अंदर वो बनारस और गोरखपुर और फरुखाबाद तक नेपाल ही नेपाल था। तो इसीलिए तो वो एडवांस पार्टी वहीं बैठी हुई है शुरुआत से। चलो भाई, 3:15 हो गए। ये लोग ज्ञान में नहीं चलते। हाँ, अभी ये लोग
मांस तो जैसे को अपने हाथ से खाने बनाए खा रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन ये बड़े होते जा रहे हैं लेकिन खाना नहीं बना पाएंगे। आप गंदे संकल्प क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे संकल्प करिए कि हम छरहरे बने रहें आखिर दिन तक। क्या ऐसे बुढ़े लोग नहीं होते हैं जो आखिरी दिन तक छरहरे बने रहते हैं, चलते फिरते उछलते रहते हैं? आप कमजोरी का संकल्प मत लाइए। क्या संकल्प? बीज होता है, बीज जैसा बोएंगे वैसा वृक्ष बन करके खड़ा हो जाएगा। हाँ बाबा, हाँ, हम 7 महीना में जन्म लिया, 3 दिन के बाद में हमारे बाबा चल गया भारत से, उसके बाद में 7 महीने में जन्म लिया माना लौकिक हूँ। अच्छा, 9 महीने मैंने जन्म नहीं लिया, 7 महीने में जन्म लिया और 3 दिन के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। इंडिया में गया, हाँ, 6 साल के बाद नौकरी गया, वापस नहीं आया, हमने देखा, पिताजी को देखा नहीं, नहीं। हाँ अच्छा, फिर हम आपके साथ में मिलने पे हम बहुत तो अच्छी बात है ना, बढ़िया। अच्छा, चलो, अभी टाइम हो गया।